अगली बड़ी खबर रुड़की से, आपको बता दें पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान, हरिद्वार में कल से शुरू होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। नवंबर के आखिरी हफ्ते में हरीश रावत निकालेंगे पदयात्रा, हरिद्वार जिले की समस्याओं को लेकर पदयात्रा निकाली जाएगी। तो ये बड़ी खबर, हरिद्वार में कल से शुरू होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। रावत जी, आप भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक यात्रा निकालने जा रहे हैं, क्या यात्रा का नाम होगा, कब से शुरुआत होगी? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा 20 तारीख को हम जो देहरादून हरिद्वार चैप्टर है वो प्रारंभ कर रहे हैं, और पार्टी के सभी लोगों से मैंने प्रार्थना की है कि उस यात्रा में जुटे, और मैं भी इस महीने के आखिर में 4 दिन जो है यात्रा उदलहेड़ी से प्रारंभ करूँगा, पदयात्रा प्रारंभ करूँगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि हो सकता है एक आध दो दिन और वो करें, और उनमें हम भारत जोड़ो भी नाम है और हरिद्वार जिंदाबाद, इसलिए हरिद्वार के जो स्थानीय समस्याएं हैं उनको भी उठाया जा सके। जैसे यहाँ आंतरिक सड़कें खराब हुए हैं, गन्ने का मूल्य नहीं मिल पा रहा है लोगों को, यहाँ पर रुड़की विकास प्राधिकरण से 10 तरीके की शिकायतें लोगों के हैं जो हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण है। और चलिए पहाड़ प्राइम में आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। गैरसैंण को लेकर हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है, गैरसैंण में सत्र कराने से भाजपा सरकार बच रही है। गैरसैंण को लेकर सरकार का दोहरा रवैया देखने को मिल रहा है। गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी तो बनाई गई मगर विधान भवन में कर्मचारियों की नियुक्ति क्यों नहीं हुई है? तो ये बड़ा बयान हरीश रावत का, गैरसैंण में सत्र ना कराए जाने को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि गैरसैंण में सत्र कराने से सरकार बच रही है। दो साल से गैरसैंण में आप सत्र नहीं कर रहे हो, भाग रहे हो, और जबकि गैरसैंण राजधानी बने इसके लिए विधानसभा में आप प्रस्ताव लेकर के आए हो। एक तरफ आप घोषणा कर रहे हो कि हमने उसको राजधानी बना दिया, ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया, और दूसरी तरफ आप एक चपरासी भी वहाँ नियुक्त नहीं कर रहे हो। तो ये भाजपा का जो गैरसैंण को लेकर के धुमुहापन है, इसको मैंने एक्सपोज किया। उत्तराखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि अंकिता भंडारी और देहरादून में युवती के फांसी लगाकर सुसाइड मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। बस दिन जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं और जो वारदातें हुई हैं बड़ी शर्मनाक है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। ऐसे मामले महिलाओं पे हमारे प्रदेश में ही क्यों होते जा रहे हैं, भले वो अंकिता को मामला को अंकिता हत्याकांड को लेके हो, उसके बाद किरण का नाम आया, किरण जी को लेके हो, उसके बाद ये सुलेखा जो लड़की ये आत्महत्या हुई है, कहीं ना कहीं ये लॉ एंड ऑर्डर पे प्रश्न चिन्ह है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।